स्वाध्याय है और आज की इस कक्षा में हम सभी लोग तत्वार्थ के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। आइए मंगलाचरण करते हैं, कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सहसाहूणं, मोक्ष मार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्म भूवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजाओं की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और सूत्र जी में हम सभी लोग इस समय तीसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूं कौन कौन से सूत्रों का हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं। आइए स्क्रीन पर आप देख लें, देखिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10 में जो वर्णन चल रहा है, जम्बू द्वीप का वर्णन चल रहा है। जम्बू द्वीप किस प्रकार का है, उसकी रचना कैसी है। सबसे पहले तो बताया था कि मध्यलोक कैसा है, तो बताए मध्यलोक में द्वीप और समुद्र हैं। कैसे द्वीप और समुद्र हैं, तो कहा अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। कहां पर, तो बताया था कि मध्यलोक में। इसी मध्यलोक में अब आगे बतलाते हैं कि मध्यलोक में सारे जो द्वीप हैं वो चूड़ी के आकार के हैं और उसमें से जो जम्बू द्वीप है वह जम्बू द्वीप चूड़ी के आकार का नहीं है, थाली के आकार का है, वो भी गोल है और वो कैसा है, सबसे बीच में है। और उसके भी बीच में वो जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप के बीच में एक जगह है जिसका नाम है सुमेरु, सुमेरु पर्वत, पर्वत बोलते हैं, सुमेरु पर्वत बोलते हैं। ये सबसे बीच में है। सुमेरु पर्वत कैसा है, तो बताया कि सुमेरु पर्वत 140,000 योजन ऊंचाई वाला है। उसका पूरा विस्तार 140,000 योजन का है। कैसा है वह सुमेरु पर्वत, तो बताया कि 1,000 योजन तो उसकी नींव है, उसकी नींव जो है जो जमीन के अंदर है वो 1,000 योजन है। और उसके बाद वो जो सुमेरु पर्वत है वह फिर नींव से लेकर के ऊपर तक 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला है। और 1,00,000 योजन ऊंचाई पर जाकर के उस सुमेरु पर्वत पर 40 योजन की तो उसकी चूलिका है। चूलिका मतलब होती है चोटी, चोटी जो अंतिम छोर होता है। तो बताया कि वह जो सुमेरु पर्वत है वह सुमेरु पर्वत 140,000 योजन ऊंचाई है उसकी, इतना बड़ा है वह सुमेरु पर्वत। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो योजनों की चर्चा चल रही है, आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा या आप लोग पूछ नहीं पा रहे होंगे योजन का मतलब क्या होता है। तो योजन जो है, योजन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक योजन का मतलब होता है, एक योजन में आ जाते हैं 4 कोस। एक योजन बराबर 4 कोस। और एक कोस कितना होता है, तो कोस के बारे में कहते हैं कि 2 मील का एक कोस होता है, ठीक है।
दो मील का एक कोस होता है, और एक मील मतलब होता है 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर ऐसे, 1.5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर कुल हुए 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर का एक कोस हो गया, क्या हो गया? कोस। तो एक कोस है 3 किलोमीटर का। ऐसे चार कोस होने पर एक योजन माना जाता है, एक योजन। तो 3 का हम 4 में गुणा कर देंगे, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12। तो एक योजन बराबर 12 किलोमीटर। कितना? एक योजन मतलब 12 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किलोमीटर की जो चर्चा चल रही है, जो योजन की चर्चा चल रही, एक योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर। ठीक है, ये बात यहां पर इन्होंने बता दी। ये हो गया योजन। अब वो कहते हैं कि ऐसा वह जो सुमेरु पर्वत है, वह सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंच, 1,40,000 योजन, 40,000 नहीं, 40 योजन ऊंचाई वाला है। इतनी ऊंचाई, इतनी लंबाई जो है उस सुमेरु पर्वत की है। और वह कहाँ पर है? तो बताया है कि सुमेरु पर्वत इस पूरे जम्बू द्वीप के सबसे बीच में है। जैसे ये आप देखेंगे, ये एक गोला आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए। जैसे ये एक गोला हो गया, इसको मान लीजिए आप जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के बीचों बीच कहते हैं सुमेरु पर्वत है। तो ये जो सुमेरु पर्वत कहाँ हो जाएगा? सुमेरु पर्वत हो जाएगा यहाँ पर। ये है हमारा सुमेरु पर्वत, और ये सुमेरु पर्वत कहाँ है? ये सुमेरु पर्वत पूरे जम्बू द्वीप के सबसे बीच में है, सेंटर पॉइंट में है। इसको आचार्यों ने क्या कहा? इसको कहा नाभि के समान है। जैसे नाभि शरीर में सबसे बीच में होती है, हमारे शरीर के सबसे मध्य में आप देखेंगे नाभि है, ऐसे ही ठीक यहाँ सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप की नाभि के समान है। ये पूरे जम्बू द्वीप में जो आप देख रहे हैं बीच में, ये बीच वाला बिंदु, इसको हम कहेंगे सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत? इसको कहेंगे सुमेरु पर्वत कहेंगे। और आपको पता होगा पंचकल्याणक आदि में बताया जाता है कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, तो तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर बालक को सौधर्मिंद्र लेकर के कहाँ जाता है? सुमेरु पर्वत पर जाता है, और वहां जाकर के फिर अभिषेक करता है, और अनेक देव आते हैं, देवों के साथ मिलकर के फिर वो उनका जन्माभिषेक करते हैं। तो कहाँ करते हैं? इस सुमेरु पर्वत पर जाकर ही करते हैं। ये वही सुमेरु पर्वत है। अब आज हम देखते हैं जम्बूद्वीप की जो हम चर्चा चल रही थी, जिसको हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में आपको बता देता हूं कि जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं, कितने पर्वत हैं, कितने कुलाचल हैं। देखिएगा, एक ये जो सूत्र है, सूत्र नंबर 10वां, सूत्र नंबर 10 को हम पढ़ेंगे, तो इसमें इन्होंने बताया क्षेत्रों के बारे में, जम्बूद्वीप में क्या-क्या है, जम्बूद्वीप है कैसा। सारी चर्चा जम्बूद्वीप की ही चल रही है। सबसे पहली बात जम्बूद्वीप के बारे में बताया कि जम्बूद्वीप के अंदर क्या है? सुमेरु पर्वत है। दूसरी बात बताई कि जम्बूद्वीप जो है वो गोल है, थाली के आकार का है। तीसरी बात बताई कि जो जम्बूद्वीप है वो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। कैसे में 1,00,000 योजन है? एक आपको चित्र के माध्यम से जल्दी से समझा देता हूँ, बता देता हूँ। आप वैसे तो कई काफी सारे लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन किसी के भी मन में ना रहे। ये देखिएगा, ये हमारा हो गया जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप का ये जो है, इसको कहेंगे नाभि। किसको कहेंगे नाभि? नाभि कहेंगे सुमेरु पर्वत को। जम्बूद्वीप की नाभि कौन है? नाभि है सुमेरु पर्वत। ये सेंटर पॉइंट जो है ना, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया हमारा सुमेरु पर्वत। अब ये जो सुमेरु पर्वत है, इस सुमेरु पर्वत को
इस सुमेरु पर्वत को स्पर्श करते हुए कोई भी रेखा इस जम्बू द्वीप के यहां से यहां तक अगर जा रही है, इसको छू करके निकल रही है, तो आप मानिए कि ये जो रेखा जा रही है ये रेखा होगी 1,00,000, कितने 1,00,000 योजन विस्तार वाली होगी। मतलब कि पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये जम्बू द्वीप का व्यास कितना है। व्यास मतलब होता है, चाहे आप इसको खड़े में ऐसा नाप लीजिए, चाहे टेढ़े में नापिए, चाहे आप ऐसे में नापिएगा, ये बिल्कुल 1,00,000 योजन ही मिलेगा। जो सुमेरु पर्वत है ये इसके बीच में है, यहां से होकर के कोई भी रेखा इसके दोनों कोनों पर, हम अगर सीधी रेखा अगर जा रही है जो दोनों दोनों कोनों पर स्पर्श कर रही है, तो वो 1,00,000 योजन की होगी। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो इतना है ये सुमेरु पर्वत, यहां से पूरा का पूरा सुमेरु पर्वत जो है ना, इस कोने से उस कोने तक 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। तीन बातें तो पहले पिछले सूत्र में बता दी, चौथी बात यहां पर बताई इन्होंने कि जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। और ये जो 7 क्षेत्र हैं उनके नाम कौन कौन से हैं? देखो कौन कौन से नाम है तो बताया, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ठीक है, तो इसके नाम क्या क्या हैं? नाम हो गए भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। इस प्रकार से ये जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। अब इन 7 क्षेत्रों के बाद में फिर कहते हैं कि और क्या क्या है इस जम्बू द्वीप में। उसके लिए 11वें नंबर का सूत्र हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैं इसलिए आपको रिवीजन और बार बार बता रहा हूं, कोई ना कोई नई नई बातें आ ही जाती हैं, कुछ ना कुछ नया नया प्रसंग आ ही जाता है इस पूरे पढ़ते समय। मतलब जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नई जानकारियां मिलती रहती है। देखो इन्होंने इसमें कहा है 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले 6 पर्वत हैं। कौन कौन से हैं? तो उसके लिए सूत्र दिया है, तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। ये एक सूत्र है। सूत्र क्या है? तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। अब देखिएगा इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं तद विभाजित, उनके 7 क्षेत्रों का विभाग करने वाले, विभाजन करने वाले, बांटने वाले, ये जो 7 क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों को बांटने वाले कौन है? तो कहते हैं वर्षधर पर्वता। वर्षधर उन क्षेत्रों को धारण करने वाले पर्वत हैं। और वो जो पर्वत हैं वो पर्वत कैसे हैं? पूर्वापरायता, पूर्व से अपर, पूर्व से उल्टी दिशा में है। पूर्व मान लीजिए ये पूर्व दिशा है तो क्या इसके उल्टी दिशा है, मतलब ये पूर्व हो गए तो इसके उल्टी ये पश्चिम हो गए, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में है। और हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिण, इस प्रकार से वो कहते हैं ये जो है ये पर्वत है, इनके नाम कौन कौन से हैं? हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरी, ये जो है ये 6 पर्वत है, इनको इन्होंने वर्षधर पर्वताः कहा है। इन्हीं इन्हीं के बारे में ये जो 6 पर्वत है इन्हीं को कुलाचल नाम से भी जाना जाता है। एक मैं चित्र आपको दिखा देता हूं और फिर आपको कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता है अब होनी चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिएगा यहां पर
ये आपको गोल एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, ये जो गोल चित्र आप लोग देख रहे हैं ये चित्र क्या है, असल में ये है जम्बूद्वीप। ये हमने बना लिया इस जम्बूद्वीप का नक्शा, ठीक है। इसका ये जो नक्शा आप देख रहे हैं इसमें इसमें क्या है, इसमें है छह पर्वत। कौन कौन से छह पर्वत हैं? तो उन्होंने कहा हिमवन महाहिमवन, एक पर्वत हो गया हिमवन नाम का, ठीक है। उसके बाद में फिर कहते हैं फिर एक पर्वत है जिसका नाम है महाहिमवन, उसके बाद में फिर एक पर्वत है निषद, उसके बाद में फिर एक पर्वत है नील नाम का पर्वत, फिर उसके बाद में एक पर्वत है रुक्मिन नाम का पर्वत, और उसके बाद में एक पर्वत है जिसका नाम है शिखरिन नाम का पर्वत। तो कुल मिलाकर के ये छह पर्वत यहाँ पर इस जम्बूद्वीप में हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये छह पर्वत हैं। यहां से हम लेंगे पूर्व से ये कहां तक फैले हुए हैं। सबसे पहले आप देखिएगा पूर्व दिशा कहाँ है, मैं इस नक्शे को बना रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ये पूर्व दिशा है, उसके बाद में ये पूर्व है, तो इसके बाद में अगर ये वाली दिशा होगी इसका नाम होगा ये होगी पश्चिम दिशा, उसके बाद में यहां ऊपर होगी उत्तर दिशा, और यहां नीचे होगी दक्षिण दिशा। तो आपको दिशाओं का ज्ञान भी हो गया, ये नक्शा जो है इस नक्शे में दिशाओं का ज्ञान भी आपको हो गया। इसी नक्शे में वो कहते हैं सात क्षेत्र हैं। देखो सबसे पहले तो हम पर्वतों को गिन लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला पर्वत, ठीक है। ये पहला पर्वत है, ये हमारा दूसरा पर्वत है। पहले पर्वत का नाम क्या है, पहले तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पहले पर्वत का नाम है हिमवन, ठीक है, हिमवन नाम का पर्वत है। दूसरा ये जो पर्वत है इसका नाम है महाहिमवन। तीसरा पर्वत है निषद नाम का, इसका नाम क्या है, इसका नाम है निषद। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसका नाम है नील, ये चौथा पर्वत जो है नील। उसके बाद ये जो पांचवें नंबर का पर्वत है इसका नाम है रुक्मी, और छठवें नंबर का ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ये जो लाइन है यही पर्वत है। तो आप समझेंगे कि पर्वत कहाँ है, पर्वत तो हमने ऐसे देखे हैं बड़े बड़े ऐसे ऐसे होते हैं पर्वत, समझ रहे हैं। अभी आप ऐसा सोच रहे होंगे पर्वत तो इस प्रकार के होते हैं, ये आपने क्या बना दी, ये तो लाइने हैं, दरअसल यही पर्वत है। क्यों है वो भी आपको बता देता हूं। वस्तुतः ये जिनको हम पर्वत कह रहे हैं ये हमने इसमें नक्शे में लाइन के माध्यम से दिखाया है, वास्तविक रूप में ये बहुत बड़े पर्वत हैं, बहुत विशाल पर्वत हैं। अभी इनका विस्तार आगे हमें पढ़ने में आएगा, समझ में आएगा कि कितने बड़े और कितने विशाल ये पर्वत हैं। तो आपको कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा कि ये पर्वत जो है ये हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी और शिखरिन, ये छह पर्वत हैं। इन्हीं को कुलाचल नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या, इनका काम क्या है,
इनका काम क्या है? इनका काम है क्षेत्रों का विभाजन करना। ये जो सात क्षेत्र हैं, देखना सात क्षेत्र हैं यहाँ पर, कौन कौन से सात क्षेत्र हैं, मैं इन सबके नाम लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उसके बाद में फिर कौन सा क्षेत्र है, भरत के बाद हेमवत, उसके बाद में फिर एक क्षेत्र है हरि, उसके बाद में फिर एक क्षेत्र है विदेह, फिर उसके बाद में एक क्षेत्र है रम्यक, और उसके बाद में फिर एक क्षेत्र है हिरण्यवत, और सबसे लास्ट में एक क्षेत्र है ऐरावत, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितने क्षेत्र हो गए, ये क्षेत्र कितने हो गए, ये क्षेत्र हो गए सात। आप इनको गिनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इन पर्वतों के नाम भी मैं लिख देता हूं जिससे आप लोग भूले नहीं, ठीक है। इनका नाम है हिमवन, दूसरा ये जो पर्वत है, दूसरे पर्वत का नाम है महाहिमवन, अच्छे से इसको समझना, नहीं तो आप लोग फिर आज की क्लास छोड़ देंगे तो फिर आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी समझने। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बता देता हूं, हमारी जो कक्षाएं है ना वो आपको YouTube पर मिल जाएंगी, तो जो आपकी बीच वाली कक्षाएं छूट जाती हैं आप YouTube पर उनको पढ़ सकते हैं। देखो, हिमवन, महाहिमवन, निषद, उसके बाद में फिर आता है नील नाम का पर्वत, उसके बाद में फिर आता है रुक्मी नाम का पर्वत, उसके बाद में फिर एक पर्वत आता है शिखरी नाम का पर्वत। तो कुल मिलाकर के पर्वतों की संख्या कितनी हो गई, छह हो गई, पक्का है, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, इनकी ये जो है ये कौन सा क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है पहला क्षेत्र हो गया, हेमवत क्षेत्र है ये दूसरा क्षेत्र हो गया, तीसरा क्षेत्र कौन सा है, ये हो गया हरि, चौथा क्षेत्र है विदेह, और पांचवा क्षेत्र है रम्यक, और छठवां क्षेत्र है हिरण्यवत, और उसके बाद सातवां क्षेत्र है ऐरावत। तो कुल मिलाकर के कितने आप देख सकते हैं, कितने ये क्षेत्र हैं, क्षेत्रों की संख्या होगी कुल सात। यहां पर मैं लिख देता हूं, आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। क्षेत्र है सात और कुलाचल पर्वत, कुलाचल पर्वत कितने हैं, कुलाचल पर्वत हैं छह, ठीक है। तो कुलाचल पर्वतों की संख्या मालूम चल गई, छह है, और ये जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र कितने हैं, क्षेत्र हैं, क्षेत्र कितने हैं, क्षेत्र हैं हमारे सात। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एक जो जगह है इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सुमेरु पर्वत, इसको क्या कहेंगे, ये आप जो देख रहे हैं ना इसको हम कहेंगे सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत, इसको हम कह सकते हैं सुमेरु नाम का पर्वत, ठीक है। अब तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने ये लंबी लंबी रेखाएं बनाई है, इनको पर्वत क्यों कह रहा हूं मैं आपको बता दूं, ये जो पर्वत है ना ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए, पूर्वा परायता, पूर्व और